सबसे पहले हम आप सब लोगों से विलंब के लिए क्षमा चाहेंगे। हम लोगों को आने में विलंब हुआ और आज पूस पुनी का दिन है, छेरछेरा का दिन है, तो आप सभी लोगों को छेरछेरा की भी गाढ़ा गाढ़ा बधाई, छेरछेरा पुनी की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। कल गणतंत्र दिवस है तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामनाएं, और आज की इस अवसर में हम नमन करना चाहेंगे हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी बलिदानी दी और इस बस्तर क्षेत्र को भी सुरक्षित रखने के लिए जिन सैनिकों ने, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उनको भी आज की इस अवसर में हम नमन करते हैं। और जो भी सैनिक यहां पर तैनात हैं इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, उनको भी हम आज की इस अवसर में नमन करते हैं। विलंब काफी हो गया है, आज करीब 100 करोड़ से ज्यादा कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। इसके लिए मैं इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ आज जो स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से किए थे, और जिसके कारण पूरे देश में हर गरीब लोगों के घर में शौचालय का निर्माण हो रहा है, शहरों को, गांवों को, जो भी सार्वजनिक स्थल है उनको साफ किया जा रहा है, और जो भी कचरा है वो कचरा का भी उपयोग हो रहा है। आज यहां पर हमको बताया गया है कि अनेकों गांव मिलाकर इस सेंटर जहां पर कचरा को रिसाइकलिंग करके उसे कई चीज बनाया जा रहा है। आज हमको यहां पर एक बंडी भी भेंट किया गया और बताया गया है कि वो कचरा से बना है, तो ऐसा इस तरह से यहां पर हो रहा है। इसके लिए मैं जितनी भी महिला स्व सहायता समूह की बहनें माताएं हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, उनके लिए सेंटर आज शुभारंभ किए हैं। वो कचरा बीन के लाएंगी, इसके लिए ई रिक्शा का भी वितरण किए हैं, लोन का भी वितरण किए हैं आज, तो ऐसे अवसर में उनको हमारी स्वच्छता दीदियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आज के इस अवसर में हम देना चाहेंगे। और आप सबको हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि पिछले विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, और 12 में से 8 विधानसभा क्षेत्र आप बस्तर संभाग में जीता के दिए। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारी ये सरकार अभी मात्र 1.5 महीना की हुई है, 1.5 साल नहीं हुआ इस सरकार को, लेकिन मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में हमारी ये सरकार चल पड़ी है। आपको मुख्यमंत्री के नाते बताते हुए हमको गौरव हो रहा है कि 13 तारीख को हमारी सरकार शपथ ली और 14 तारीख को ही दिसंबर महीने में पहला कैबिनेट बैठक लेकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, हमारी सरकार ने लिया है। जो 18 लाख लोग जिनका मकान पिछले 5 साल में बन जाना था लेकिन पिछली सरकार में उनको उनके हक से वंचित किया गया, और आज 18 लाख मकान उनका बनेगा। आप लोगों को भी बताते हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता
सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है और 25 दिसंबर को 2 साल का बकाया बोनस धान का 12 लाख से भी ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजे। मैं समझता हूं आपके इस जो भी किसान है उनके खाते में 2 साल का बोनस की राशि आई होगी। आज हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ था, उनके भविष्य के साथ पीएससी में घोटाला हुआ था और हमारे मोदी जी भी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ये वादा किए थे कि इसकी जांच होगी और दोषीदार लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पीएससी घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी और कोई भी दोषीदार होगा वो बच नहीं पाएगा, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। और 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदना हम लोग शुरू कर दिए हैं। आप लोगों का 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी देंगे। अभी समर्थन मूल्य किसानों के खाते में आ रहा है और अंतर की जो राशि है उसको एक मुश्त बहुत जल्दी किसानों के खाते में भेजने वाले हैं। आज जो विवाहित माताएं हैं मातारी बंधन योजना के अंतर्गत उनके खाते में भी साल का 12,000 बहुत जल्दी हम लोग भेजने वाले हैं। और जो भी वादा किए हैं तेंदू पत्ता कई क्षेत्र है, तेंदू पत्ता भी अब 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। 15 दिन खरीदी होगी और अपनी सरकार में जब चरण पादुका योजना और स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था बीमा योजना ये सब था ये फिर से चालू होगा और 4,500 रुपया तक उनको बोनस की भी पात्रता रहेगी। तो ये काम भी हमारी सरकार आने वाले समय में करने वाली है। एक बहुत अच्छी योजना है, 22 तारीख को आप सब लोग अयोध्या में हमारे छत्तीसगढ़ के भाचा राम भगवान राम विराजित हुए, उसको आप लोग लाइव देखे होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पूरा पूजा पाठ संपन्न हुआ, आप सब लाइव देखे होंगे। तो एक हमारी सरकार मोदी की गारंटी में भी वादा किया है छत्तीसगढ़ की जनता से कि अब सरकारी खर्चे में छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या ले जाया जाएगा, भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। राम लला योजना। तो इस तरह से मोदी की गारंटी में जो भी वादा है सबको हमारी सरकार पूरा करेगी। और समय ज्यादा हो गया है, आज हमारे जगदलपुर के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं उनके पिताजी का विगत दिनों में निधन हो गया है। लक्ष्मी नारायण देव जो 104 साल तक जिए और इसलिए आज वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी मांग है कि उनके विधानसभा में एक महाविद्यालय की आवश्यकता है नगरनार में, तो मैं नगरनार में एक महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूँ। उसी तरह से हमारे यहाँ पर विधायक विनायक गोयल जी हैं, इनके क्षेत्र में भी किलेपाल में महाविद्यालय की आवश्यकता है। काफी दूर दूर बाकी महाविद्यालय हैं, तो किलेपाल में भी महाविद्यालय की मैं घोषणा करता हूँ। और काफी विलंब हो गया है, इतनी देरी के बाद भी आप लोग बैठे हुए हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं और छेरछेरा पुनी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।